दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियम, जहां पर कारगिल का युद्ध हुआ था उसका पूरा मेमोरियम बनाया हुआ है दोस्तों। तो उस जगह पर हम लोग अभी पहुंचे हैं, तो अभी दिखाएंगे आपका उस चीज़ का नज़ारा। आपको देखिए दोस्तों, ये पूरा अंदर जाने का एंट्री गेट है, ये इस साइड बनाया हुआ है पूरा पार्किंग, ये पीछे की साइड है पार्किंग का। और ये कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें जो जीते, ये पीछे बनाया हुआ है जो मेन, जहाँ से एंट्रेंस है। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको अपना आईडी प्रूफ देना रहेगा और फिर एंट्री करना रहेगा। एंट्री करने के बाद फिर अब हम सीधा अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्या नज़ारा है, ये देखो पीछे की तरफ। ये पूरा तो सबसे पहले मैं इस युद्ध के इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। ये युद्ध करीब 3 मई 1999 में शुरू हुआ था। जंग जो है वो शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने करीब 5000 सैनिक के साथ में ऊपर अपने जो पहाड़ियों के ऊपर कब्जा जमा लिया था। ये जो युद्ध है वो 18000 फीट की ऊंचाई पर मतलब लड़ाया गया था। कारगिल नाम का गांव है, उस गांव के अंदर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर भारतीय नौजवान जो शहीद हुए थे उनकी संख्या करीबन 527 से ज़्यादा, और जो घायल हुए थे उनकी संख्या लगभग करीबन 1300 से ज़्यादा, मतलब उस समय का आंकड़ा बताया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने जो विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल युद्ध के अंदर, तो उस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो आप जो स्मारक देख रहे हो, वो जो शहीद हुए उनकी याद के अंदर ये स्मारक बनाए हुए हैं। जो मैं आपको स्मारक बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो 527 जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी याद के अंदर उनके पूरे नाम के साथ में यहाँ पे उनका एक स्मरण के रूप में स्टैचू लगाया हुआ है, जो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है इस जगह को। और ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर पूरा इस युद्ध का इतिहास लिखा गया है, जो शहीद हुए कौन कौन थे, कहां कहां से थे, वो सारी इसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। वो सारी इतिहास इस जगह के ऊपर एक स्मारक के ऊपर एक पट्टी के तौर पे लिखा गया है पूरा का पूरा, कौन योद्धा कहां से था वो सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। 3 मई 1999 में एक चारवाहक ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान की सेना के घुसपैठ करके कब्जा करने की सूचना दी। 5 मई को भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंची, तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने 5 जनों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी थी। 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल के अंदर मौजूद गोला बारूद का एक स्टोर नष्ट हो गया था। 10 मई में पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकरसार और मुसेगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया। 27 मई कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। और 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। यहाँ पर एक मेमोरियल रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर उस समय में जो भी युद्ध में शहीद हुए उनके नाम, उनके फ़ोटो और उनको जिस मेडल से सम्मानित किया गया उसके बारे में बताया गया है। ये उनके फ़ोटो है नाम के साथ में, तो उनके फ़ोटो के साथ यहाँ उनकी फ्रेम भी लगाई हुई है। और जो भी इस युद्ध के अंदर जैसे हथियार यूज हुए थे, जो गोला है, जो बंदूक है, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में
जो भी यहाँ पे इस युद्ध के अंदर यूज हुए थे, गोला बारूद और जो टैंक वगैरह, वो सारी आपको जानकारी यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो हमने आपको कारगिल वॉर मेमोरियम का दृश्य दिखाया, और जो भी यहाँ देखने योग्य बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप लोग भी अपने परिवार के साथ में जब भी यहाँ पे जैसे लद्दाख है या कश्मीर घूमने के लिए आते हो, तो ज़रूर ज़रूर यहाँ पे आए और अपने बच्चों को साथ में लेके आए और इस जगह के बारे में बताए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक जगह है और अपने वीर योद्धाओं की बहुत यादगार जगह है। दोस्तों, ये है पूरी कारगिल वॉर म्यूज़ियम जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसका व्यू बताया। और ये जो मेरे बैक साइड में दिख रहा है, यहाँ पे पूरा एक फ़ोटो गैलरी, यानी जो भी यहाँ पे शहीद हुए थे उनके फ़ोटो और जो भी हथियार उस टाइम के यूज हुए थे उनका फ़ोटो और जो मेमोरीज कलेक्ट की हुई है वो सब यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरफ शेयर करें। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखते रहिए हमारे साथ में, और अगर आप कोई जगह के बारे में जानकारी चाहते तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।